हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने राउंड थ्री का मैथ्स का थर्ड चैप्टर दैट इज एडिशन हम करने वाले हैं। देखिए, एडिशन बेसिकली हमारे लिए कोई नया नहीं है, हम इस चीज़ से फैमिलियर हैं और हमने ये किया हुआ है और हमको आता भी होगा, और अगर नहीं आता तो आज हम उसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि देखिए एडिशन में सिंपली है ना, आपको ऐड करना है। ऐड मतलब जोड़ना, ठीक है? तो जैसे कि प्रीवियस स्टैंडर्ड में ना एडिशन आपका था, लेकिन वहाँ पर कुछ कम डिजिट्स के बारे में एडिशन था, बट यहाँ पर है ना 5 डिजिट्स के एडिशन, 6 डिजिट के एडिशन, ठीक है? वो सारी चीज़ें हमको करनी है, ठीक है? तो चलिए हम डायरेक्टली आपके एक्सरसाइज 3.1 में जाएंगे कि उसके अंदर जो सम्स दिया ना, उसको किस तरीके से हमको एडिशन में करना होता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका चैप्टर का नाम एडिशन है और एक्सरसाइज 3.1 की मैं बात करूँ, तो 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो कुछ इस प्रकार से 3 5 8 0 6 4 3 1 9 3, ठीक है? और बोला गया इसको ऐड करो। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपको डायरेक्टली ऐड करना आता है, 6 + 3 कितना होता है ये लिखना आता है, तो बहुत होशियार हो आप और आप अच्छे लेवल पर हो, राइट? और यदि नहीं आता है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, उसका भी एक तरीका है, वो सीख लो। जैसे कि देखो 6 + 9 ये प्रैक्टिस से आएगा और थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी कि 6 + 3 डायरेक्टली होता कितना है, तो 9 होना चाहिए वो बताना चाहिए, राइट? तो 6 + 3 ना देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोज बनाओ प्लस 1 2 3, 3 जीरोज बनाओ। अब टोटल गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 आएगा। 0 + 9 9 ही आता है। 8 + 1, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 + 1, इन टोटल गिनोगे ना तो 9 जीरोज आएगा। 5 + 3 8 होता है, तो ये आया कैसे? तो देखो 3 4 5, 5 0 और 3 0, तो टोटल कितने जीरोज हो गए? 8, तो यहाँ पर 8, 3 + 4 ऑटोमेटिकली 7, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। और उसी तरीके से आपको ना अपने एक्सरसाइज 3.1 का ना ए भी करना है और बी भी कर लेना है और सी भी कर लेना है, और जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं, दैट इज डी वाला, ठीक है? अब देखिए जो डी वाला है ना, एट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू फिगर्स, इसको ना फिगर्स में कन्वर्ट कर। देखिए ये वर्ड फॉर्मेशन में है, इसको पहले इस तरीके से फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के बाद उनको आंसर लाओ और उसको फिर से वर्ड्स में लिखो। तो जैसे कि मैं आपका ना ये फर्स्ट वाला करके देता हूं, और हो सकेगा तो सेकंड भी करके देता हूं, राइट? तो चलिए देखते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, तो पहले आपको तो पूरा वो बनाना पड़ेगा, एक चार्ट टाइप बनाना पड़ेगा। वो कैसा बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जैसे कि आप एक बार लिख दो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, अभी आपका ना 10,000 तक ही है मेरे हिसाब से, या लाख भी है तो लाख तक ले लो, राइट? अब आपको मैं बताता हूं कैसे क्या करना है। देखो 8,000, तो 8,000, 123, 123, ठीक है? दूसरा क्या दिया हुआ है, 71,000, तो 71,000, 426, 426। अब इसको प्लस करो पिछले वाले तरीके से, जो भी आंसर आएगा, जैसे 6 + 3 9, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 8 + 1 9, और ये अकेला 7। अब जो भी आंसर आता है ना, इसको लिखना भी है, तो आप कैसे लिखोगे? तो लिखोगे 79,000, 79,000, ठीक है? 500, 549, ठीक है? 49। तो इस तरीके से आपको सम्स को करना है, ठीक है? मैं आपको एक काम करता हूँ, लाख वाला करके दिखा देते, जैसे फोर्थ वाला, क्योंकि सेकंड वाला तो सेम है, तो उसमें कुछ ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, तो मैं एक बार फोर्थ वाला करके दिखाता हूँ। अब देखिए फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, उसमें भी आपको ना वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, यहाँ तक तो आपको जाना ही है। फिर क्या बोल रहा है, 4 लाख, तो लाख के नीचे 4 लिख लो, 9,000, 4 लाख, 9,000, सिर्फ 9,000 बोल रहा है, तो 9,000, तो ये ऑटोमेटिकली जीरो होगा। 9,000, 20, 9,020, यानी 100 का प्लेस भी खाली है, तो ये 20 हो गया, राइट? फिर क्या बोल रहा है, 3 लाख, 10,260 एंड 2,11,000, मतलब तीन नंबर यहां पर। अब देखो पहला नंबर है ना यहां से लेकर यहां तक है, दूसरा नंबर यहां से लेकर यहां तक है, और तीसरा नंबर यहां तक है। तो दूसरा नंबर क्या है, 3 लाख, 3 लाख, 10,000, 10,000, 260, 260, और लास्ट का क्या हो जाए, 2,11,000, तो 2,11,000
इलेवन है ना, तो इलेवन इतना और ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, जीरो। अब इनको प्लस करो, तो देखो ये वन हो गया, टू प्लस सिक्स एट, प्लस वन नाइन हो गया, ये टू हो गया, ये नाइन हो गया, ये वन हो गया और ये नाइन हो गया। अब इस पूरे को लिखना है आपको, तो क्या लिखोगे, 9,19,291, 291। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको ना ये सारे सम्स करने हैं। स्टूडेंट्स अभी एक्सरसाइज 3.2 भी बहुत सिंपल है, सिंपली ऐड द फॉलोइंग, यानी इनको ऐड द फॉलोइंग करना है। लेकिन यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड आता है, कैरी फॉरवर्ड में कैसा होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखिए 6 + 6 कितना होता है। एक काम करता हूँ, इसको भी मैं ना आपको नोटबुक में करके दिखाता हूँ। अब देखिए ये सब में कैसा है, 6 + 6 कितना होता है, 12। तो मुझे पूरा 12 यहाँ नहीं लिखना है, 12 में ना ये वाले डिजिट को यहाँ लिखना है और ये 1 को ना मुझे कैरी फॉरवर्ड करना होता है। अब देखो इन सबको आप प्लस करो ना वही टेक्निक से, अगर आपको एडिशन नहीं आ रहा है ना, तो आप टेक्निकली देखो 1 + 5 + 8 है ना, तो 1 + 1 2 3 4 5 + 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे को गिनोगे ना तो 14 आएगा। कितना आएगा, 14। तो 14 में से ना 4 को यहाँ लिखना है, 1 को फिर से ऊपर रखो। अब देखो 3 + 2 + 1, तो यानी 1 + 3 + 2 करके कितना आ रहा है, 6। तो 6 को सिंपली यहाँ लिख सकते हो। 5 + 7 यानी 1 2 3 4 5 + 1 2 3 4 5 6 7, प्लस करोगे ना पूरा तो कितना आता है, 12। 12 में से ना 2 को नीचे लिखना है और 1 को फिर से यहाँ लिखना है, तो 4 + 4 8, 8 + 1 9। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। और इसी तरीके से आपको सम्स को करना है, ठीक है। जब भी जो 2 डिजिट का एडिशन करने पर आता है ना, तो ये वाले डिजिट को नीचे लिखो और बाजू वाले को ऊपर लिखो, इसी के आधार पर आपको सम्स को करना है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.2 जो है ना स्टूडेंट्स, अभी जो 3.2 ना वो आपको खुद से ही करना है। ए वाला सेक्शन, बी वाले सेक्शन में सेम एडिशन ही करना है आपको, कुछ भी नया नहीं करना है। बस ये आपको ना सिंपली क्या बोला गया है कि भाई जो आप ऐड ऊपर से नीचे कर रहे हो ना, इसमें से नीचे से ऊपर करके भी ऐड करो, कोई मतलब फालतू चीज़ है उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। सिंपली आप सिर्फ एडिशन करो, कैरी फॉरवर्ड करके इस एक्सरसाइज को आप खत्म करो। अब देखिए सी क्या बोल रहा है, अरेंज इन कॉलम्स एंड चेक द सम। इनको ना कॉलम्स में अरेंज करना है और हमको देखना है उसका सम क्या होता है, ठीक है। कॉलम मतलब लिखने का तरीका, मतलब इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पूरा 6 5 7 8 4, और जब भी इस तरीके के सम्स हो ना, तो ये डिजिट्स को ना यहाँ से लिखना मत शुरू करो, यहाँ से लिखना शुरू करो। देखो 7 3 6 7 1, अब इसको करके ऐड करना है, ऐड करके जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। और ये डी वाला भी रहने देना, डी वाले को छोड़ो और ई वाले को भी अभी छोड़ो, पहले आपको सी तक ही करना है, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, कल फिर से हम लोग एक नए एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।